तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, ठीक होंगे। तो इस समय मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो। तो यहाँ पे जो है, इस समय मैं थाने के साइड में हूँ और यहाँ पे हम लोग देखने वाले। तो मतलब मैं कहाँ पे हूँ मुझे कुछ नहीं पता, और अगर आप लोगों को भी लगता है कि कौन सी जगह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए, कुछ साथ में है एक साथ। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, थाने इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई होप यू विल लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स इफ़ यू कम हियर एंड गेट सम आइडियाज, गेट सम न्यूज। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी क्रिएटिव नेचर एंड वेरी इफेक्टिव। दुनिया में मतलब हर चीज़ मिलती है दोस्तों, एवरी थिंग इज पॉसिबल अगर आप लोग ढूंढो तो। ये है कुछ मतलब यहाँ पे जगह, तो किस तरीके से मतलब लोग पसंद करते जगह को, लोग एंजॉय करते हैं हर एक मोमेंट को। तो मैं कुछ दिखाना चाहता था कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब चीज़ें अवेलेबल होती है। ये दोस्तों मतलब ये है मुंबई, और यहाँ पे हर कोई मतलब पैसे कमाने के लिए आता है, पैसों के लिए आता है, हर चीज़ करने के लिए आता है, एंजॉय करने आता है। तो सोचता है अपने सबके पूरे करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि मुंबई ऐसी जगह है। तो दोस्तों जैसा कि मैं इस समय रेलवे स्टेशन के साइड में हूँ, ठीक है, लेकिन बात करते हैं हम मुंबई की। तो मुंबई क्या चीज़ है, मतलब मुंबई में हम लोग बोलते हैं ना कि हर कोई पैसे के लिए आता है, तो सच बात है। यहाँ पे हर एक बंदा गांव से आता है, कहीं से भी आता है, पैसों के लिए आता है। लेकिन एक चीज़ है कि मतलब यहाँ पर ये मुंबई दोस्तों, मतलब यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि पूछो मत, मतलब किसी को टाइम नहीं है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो थाने मतलब एक तो पाव जिला का है ही बहुत। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे वो लोग मतलब फुटपाथ पे भी अपना काम करते हैं। ये मुंबई है दोस्तों, मतलब हर जगह कोई ना कोई आपको मिलेगा, एवरी पर्सन विल बी ऑन दी वर्किंग डे। मतलब हर कोई इंसान यहाँ काम करता है, भले वो छोटा हो जाए बड़ा हो, देख सकता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है मुंबई की, भीड़ तो बोले तो सबसे हटके है, मतलब भीड़ तो कम होती है। स्पेशली थाने ऐसा एरिया है यहाँ पर भीड़ कम हो नहीं सकती, बहुत रश रहता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के साइड में हूँ, और किस तरह से मतलब लोग यहाँ पे अपना गुजारा करते हैं, कैसे काम करते हैं, किस तरह से मतलब अपना दिनचर्या निकालते रोज की तरह। तो ये है मुंबई दोस्तों, जैसे कि मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। आप लोग देख के कमेंट करके बताएं कैसा लगा है जगह। जैसा कि ठीक दोस्तों, मैं अभी जो है आगे की तरफ चल रहा हूँ, लेकिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। ये मुंबई है दोस्तों, दिखा सकते हैं आप लोगों को, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे है, और किस तरह से लोग यहाँ पे बैठे होते हैं स्टेशन के साइड में, ताकि वो लोग कुछ ना कुछ दिख जाए आप लोग देख सकते हैं। तो ये है कुछ यहाँ पर दिखाने के लिए, और ये मुंबई का असली अंडा दोस्तों, कैसे लोग अपना मतलब दिन निकालते हैं, दिन काटते हैं। दोस्तों कुछ मैंने ऐसे दिखाने की कोशिश की आप लोगों को, आप लोगों को पसंद आएगी जगह और अच्छा लगेगा। जैसा कि दोस्तों मैं इस यहाँ पे आया हूँ, और ये हमारे जो भाई है, क्या नाम है आपका? आमिर भाई है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास ही ये अपना स्टॉल लगाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पे स्टॉल लगाया जाता है, और बहुत अच्छे अच्छे डैस वगैरह मिलते हैं। तो भाई का अगर आप लोगों को लेना चाहो तो यहाँ पे आके ले सकते हो। तो जिस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत देख के अच्छा लगता है कि ये लोग अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं और मेहनत करते हैं। तो ऐसे लोग का मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के, और मतलब खुश हो जाता है कि ये लोग कुछ तो करते अपने लिए, और बड़ी मेहनत करते हैं, जोखिम उठाते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पर अलाउड नहीं होता। तो इसलिए ऐसे लोग को थैंक यू कहने का मन करता है, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे लड़के खुद के लिए कुछ करते हैं दोस्तों। तो ये थी दोस्तों कुछ मुंबई की खट्टी मीठी बातें। वो बेसिकली बहुत मज़ा आता है दोस्तों जब ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और ऐसा कुछ देखने को मतलब लगता है कि यार हाँ, सच में मुंबई
सच में ऐसी जगह है और यहाँ पर लोग इस तरीके से मतलब काम करते हैं। ये दोस्तों मतलब मुंबई जो है यहाँ पे इस तरीके से चलती है, मतलब दिन नहीं तो दिन नहीं, रात नहीं तो रात, दिन रात एक हो जाता है। सो फ्रेंड दिस इज़ हाउ द मुंबई इज़ गोइंग ऑन। तो चलते फिर मिलेंगे अगली बार। हर हर महादेव।